नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। जब हम बात करते हैं क्लोथिंग की, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में हमको डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका उपयोग हम मेजरमेंट के लिए, मार्किंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए और स्टिचिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट होते क्या हैं। जब हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में मुख्य रूप से मापने, चिन्हित करने, कपड़ा काटने का ज्ञान और सिलाई शामिल हैं, जो उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करके की जाती है। मापने, चिन्हित करने और काटने के विभिन्न उपकरण हैं तथा उनकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। इनका उपयोग करके ही हम फिटेड गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इंडिविजुअल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं तभी हम प्रॉपर वे में किसी भी क्लोथिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की, इसमें हमें मेजरिंग और ड्राफ्टिंग टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं सबसे पहले। सेकंड है मार्किंग टूल्स, देन कटिंग टूल्स, देन स्विंग एंड पिनिंग टूल्स। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग टूल्स की। तो जब भी हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद हमें मार्किंग टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, देन कटिंग टूल्स, आफ्टर दैट स्विंग एंड पिनिंग टूल्स। सबसे पहले अब हम बातचीत करेंगे मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग टूल्स की। मेजरिंग और ड्राफ्टिंग टूल्स क्या है और इनका उपयोग हम कहां और कैसे करते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेजरिंग टूल्स, जिसको हम मापने के उपकरण कहते हैं, इनका उपयोग बॉडी मेजरमेंट्स को लेने के लिए, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो जो हमने इंडिविजुअल बॉडी मेजरमेंट्स लिए हैं उनका प्रयोग करके ड्राफ्टिंग बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेजरिंग टेप की। जैसे कि मैं पिक्चर्स में दिखाई पड़ रहा है कि एक में हमें मेजरिंग टूल, जो हमें बोलते हैं, इसे हम इंच टेप भी बोलते हैं, उसकी पिक्चर है। दूसरा कि इंच टेप का उपयोग हम कैसे करते हैं बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए, वो दिखाया गया है। जब हम मेजरिंग टेप की बात करते हैं, जो मेजरिंग टेप होता है इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 60 इंचेस होती है, जिसको हम 153 सेंटीमीटर कहेंगे, और जो चौड़ाई होती है वो हाफ इंचेस की होती है, सेंटीमीटर्स में 1.2 सेंटीमीटर का होता है। जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप में हमारे पास माप के लिए इंच से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से इंच में रूपांतरण की सुविधा उपलब्ध होती है। फीते में सेंटीमीटर इंच एक साथ चिन्हित होते हैं और एक साइड हमारे मेजरिंग टूल मींस की मेजरिंग टेप में खाली इंचेस में होता है और एक साइड इंचेस और जो सेंटीमीटर वाले मेजरमेंट्स होते हैं वो आमने सामने उसमें अंकित मार्क्ड होते हैं। दूसरा है रूलर। जब हम रूलर की बात करते हैं, ये भी हमारा एक एपरेटस है और इक्विपमेंट है जिसको प्रयोग हम लंबाई मापने और सीधी रेखा खींचने के लिए करते हैं। जब हम कपड़े में मीन्स अगर हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ड्राफ्टिंग मेथड से, तो ड्राफ्टिंग बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और यदि हम टेलर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, मीन्स जिसमें कि हम डायरेक्टली मेजरमेंट लेके कपड़े में सीधे जो हमारा गारमेंट बनाना है उसको हम उसमें ड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास मेजरमेंट है टेलर मेथड से बनाने के लिए, उसको सीधे कपड़े में ड्रॉ करने के लिए, मार्क करने के लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंच कर्व की। फ्रेंच कर्व क्या है? ये दीज आर द मोल्ड्स जिनका मेनली हम प्रयोग करते हैं किसी भी शेप को देने के लिए। मीन्स शेप का मीन्स, जैसे कि हमारा आर्म होल है या हमारे हिप शेप्स में होते हैं, और नेक का शेप देना है उसका बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह एक सांचा है जो आमतौर पर धातु, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, जो कई अलग अलग शेप्स में बना होता है। ड्राफ्टिंग के समय बांह गले के कर्व्स को सुचारू रूप से खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एल स्केल की। एल स्केल का प्रयोग मेनली हम ड्राफ्टिंग के टाइम पे करते हैं, जहाँ पे कि हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है या हमें कुछ स्क्वायर शेप्स बनाने हैं, तो उसका प्रयोग करके हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और ड्राफ्टिंग हमारी प्रॉपर बन जाती है। तो यह लकड़ी या स्टील से बना होता है। एल पैमाने की एक भुजा की माप 12 इंच और दूसरी की 24 इंच होती है, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। जो छोटा वाला है वो हमारा 12 इंचेस का है, जो हमारा स्केल जिसकी लेंथ 24 इंचेस है वो हमारा उसके परपेंडिकुलर है, 12 इंचेस जहाँ पे मार्क्ड है।
मूल रूप से ब्राउन पेपर का प्रयोग हम जब ड्राफ्टिंग में करते हैं उसमें लंबवत रेखाओं को खींचने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और एल पैमाना ड्राफ्टिंग के लिए मुख्य उपकरण है। यह सटीक 90 कोण और सीधे किनारों को खींचने में मदद करता है। यह सीधी रेखाओं और वर्गों को संयुक्त रूप से मापता है। जब सपोज कि अगर हम किसी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें जब हमें कोई भी लेंथ वाइज और जो चौड़ाई में हमें लाइन खींचनी है तो क्रॉस वाइज जो हमें लेंथ खींचनी है उसको खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे स्ट्रेट लाइन खींचती है और हमारा मेजरमेंट भी प्रॉपर आता है। हिप कर्व रूलर जिसकी हम हिप वक्र पैमाना कहते हैं, इसका प्रयोग मेनली हमें कूल्हे और कमर के चारों ओर स्मूथ कर्व बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सपोज जब हम पैंट बना रहे हैं या स्कर्ट्स बना रहे हैं तो हमको वेस्ट से हिप में कुछ स्मूथ कर्व देने हैं जिससे कि हमारे गारमेंट की फिटिंग अच्छी आए और वो कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करे आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम हिप कर्व का प्रयोग करते हैं। इससे स्मूथ कर्व बनते हैं और हमारे गारमेंट का शेप प्रॉपर आता है। जो ब्राउन पेपर है, ब्राउन पेपर का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए करते हैं। ये ब्राउन पेपर है, इसमें जो रफ साइड होता है उसका हम उपयोग ड्राफ्टिंग बनाने के लिए करते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ब्राउन पेपर का प्रयोग करके इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद जो हम ड्राफ्ट बनाते हैं उसको कपड़े के ऊपर रख के मार्किंग बनाते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं और देन सीम अलाउंस को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं। तो ब्राउन पेपर का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग करने के लिए करते हैं जो कि इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। पेंसिल का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग करने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग करके हम ब्राउन पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग बनाते हैं। मीन्स जो मेजरमेंट्स हैं उनको हम उसमें ड्रॉ करते हैं। और रंगीन पेंसिल का उपयोग ड्राफ्टिंग में फोल्ड भाग या ग्रेन लाइन को अंकित करने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल पेंसिल हम यूज करते हैं उसका प्रयोग हम ड्रॉ करने के लिए करते हैं और कलर पेंसिल का प्रयोग हम ग्रीन लाइन को शो करने के लिए, ऑन फोल्ड को मार्क करने के लिए करते हैं। देन है इरेजर। इरेजर का प्रयोग अगर जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई लाइन अगर गलत खींच जाती है या कोई मेजरमेंट में हमारी गलती हो गई है और उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया है तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेजर का प्रयोग करते हैं ड्राफ्टिंग में। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग टेबल। ड्राफ्टिंग टेबल का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी एक फ्लैट टेबल होती है जिसकी सतह चिकनी और दृढ़ होती है, मीन्स हार्ड सरफेस होता है। मेज की लंबाई इसमें हमारी अधिकतर इसमें ऊंचाई जो है 3 फीट, जो चौड़ाई है वो 4 फीट और लंबाई 6 फीट होनी चाहिए। मेजिंग ड्राफ्टिंग टूल के बाद हम आते हैं मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स का प्रयोग हम मेनली जो हमारे मेजरमेंट्स हमने लिए हैं इंडिविजुअल्स उनको मार्क करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें करने के लिए, या जो अगर सपोज हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है तो उन पैटर्न को अगर हम कपड़े में उतार रहे हैं उसको उसमें कॉपी करने के लिए हम मार्किंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग टूल में सबसे पहले है ट्रेसिंग व्हील। इसमें हमारे जो ज़िगज़ैग टीथ होते हैं, इसमें हमारे जो ट्रेसिंग व्हील है और ब्लेड वाला एक अंकन उपकरण है जिसका उपयोग हम कागज पैटर्न में से कपड़े का पर निशान स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग हम मेनली जो मेजरमेंट्स हैं या जो हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है उस जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा ट्रेसिंग व्हील है उसमें हमारे ज़िगज़ैग टीथ होते हैं, तो इन इसके द्वारा हम जो हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है और ट्रेसिंग पेपर की सहायता से हम उसको कपड़े में उतारते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर होता है, ऊपर पैटर्न होता है और नीचे हमारे पास कपड़ा होगा, उसके ऊपर जो हमारे पैटर्न्स में लाइंस हैं, ड्रॉ हैं, स्टिचिंग लाइंस हैं, उसको हम ट्रेसिंग व्हील की सहायता से ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, जो ट्रेसिंग व्हील है उसमें ज़िगज़ैग टीथ होते हैं। टेलर चौक का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज अब हमने ड्राफ्टिंग बना ली है, ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास सीम अलाउंसेस नहीं होते हैं, पैटर्न्स जो हमारे फ्लैट पैटर्न्स होते हैं उनमें हमारे सीम अलाउंसेस ड्रॉ होते हैं। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग बनी हुई है, ड्राफ्टिंग को जो हम कपड़े में उतारते हैं उसको उसमें कॉपी कर रहे हैं तो कपड़े के ऊपर रखेंगे और उसके चारों ओर जो हमारा शेप बना हुआ है उसको ड्रॉ करने के लिए हम चौक का प्रयोग करते हैं। चौक होती है हमारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, तो ये रंगीन कठोर चकोर मोम जिसका उपयोग कपड़े पर दिशा निर्देशों या सिलाई लाइनों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कटिंग टूल्स की। कटिंग टूल्स क्या हैं जिनका प्रयोग करके हम कपड़े की कटिंग करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस मेकर शीयर, जिसको हम कैंची बोलते हैं, बड़ी कैंची। इसका उपयोग भारी कपड़ों को काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल का आकार समान होता है। हमारे पास दो तरह की कैंची होती है, जिसको इंग्लिश में एक को शीयर बोलते हैं और एक को सीजर्स बोलते हैं। जब हम शीयर की बात करते हैं, शीयर क्या है कि इसमें हमारे जो हैंडल्स होते हैं उसका शेप इवन हमारा नहीं होता है। अंगूठी के लिए छोटा होगा, उंगली को डालने के लिए बड़ा होता है। इसको हम शीयर कहते हैं, बड़ी कैंची, जिसको हम कपड़े की कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सीजर की, जिसको हम छोटी कैंची कहते हैं। छोटी कैंची सुई के काम के लिए डिजाइन की गई है। इसका हैंडल इवन होता है, मतलब दोनों हैंडल हमारे इवन होंगे। अगर सपोज कोई थ्रेड कटिंग करना है, जब हमने कपड़ा स्टिच कर लिया तो उसमें हमारे रबर थ्रेड्स हैं, उनको कटिंग करने के लिए हम सीजर्स का प्रयोग करते हैं। देन है पिंकिंग शीयर। पिंकिंग शीयर भी क्या हमारी बड़ी सीजर है, बट इसमें जो हमारे ब्लेड्स होते हैं उसमें जिगजैग हमारे किनारे होते हैं, जो जिगजैग एजेस होते हैं। इससे क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सपोज कोई हमारे पास कपड़ा है उसमें हमें स्टिचिंग नहीं करनी है, या उसको हमको फोल्ड करके उसकी फिनिशिंग नहीं करनी है, उसमें हम इसकी कटिंग करेंगे। बाय यूजिंग पिंकिंग शीयर हम एजेस को कट करते हैं। उससे क्या होता है, जिगजैग शेप बन के आएगा और थ्रेड्स की उसमें रेवल नहीं करेगा और उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं पिंकिंग शीयर, इसमें क्या होता है कि हमारे दांतदार ब्लेड या जिगजैग किनारे वाली कैंची का प्रयोग कपड़े के किनारे को काटने के लिए किया जाता है, जिससे कपड़े के किनारों को फटने का से रोका जा सकता है। देन है थ्रेड क्लिपर, जिसको हम ट्यूजर भी बोलते हैं। सपोज जब हम कपड़े को स्टिच करते हैं, स्टिच करने के बाद जो छोटे छोटे थ्रेड बचते हैं उसकी कटिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह एक छोटा काटने का उपकरण है, जिसका उपयोग धागे काटने के लिए किया जाता है। सीम रीपर, सीम रीपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीम रीपर को जब हमने कोई स्टिच लगा ली है, सपोज वो गलत हो गई है, या कपड़ा हमारा सपोज ऑलरेडी स्टिच गारमेंट है तो उसको हमारा वो टाइट हो गया, या हमें उसे लूज करना है या टाइट करना है, तो हमें जो सीम है, मशीन की सीम है, उसको उधाड़ना पड़ेगा। उसको उधाड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सीम रीपर का। तो सीम रीपर यह काटने का उपकरण है, जिसका उपयोग सीम काटने के साथ साथ अन्य विस्तृत कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि हमको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो नुकीले शार्प हमको एजेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका प्रयोग करके हम सीम को उधार लेते हैं। उसको जो हमारी पुरानी सीम है या जो हम नई सीम लगा रहे हैं, अगर कोई चीज गलत लगी है तो उसको हम उसमें से उधार सकते हैं। इसके बीच में एक ब्लेड होता है, ब्लेड का प्रयोग हम कटिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। सपोज अगर हमें बटन होल बनाना है, बटन होल बनाने के लिए जब हमने बटन होल स्टिच बना ली है, बीच में हमें जो होल करना होता है, इसका प्रयोग करके हम उसमें होल बनाते हैं, क्योंकि इसमें बीच में हमारा ब्लेड होता है। तो सीम रीपर का प्रयोग जो है, हम सीम को उधाड़ने के साथ साथ कोई अगर हमें कोई होल बनाना है या कटिंग करनी है, उसके लिए भी करते हैं। अब हम बात करते हैं स्विंग एंड पिनिंग टूल्स। जब हमने मेजरमेंट ले लिया, ड्राफ्टिंग बना ली है और उसकी हमने कटिंग कर ली है, देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमने कपड़ा की कटिंग कर ली, तो उसकी स्विंग करने के लिए, उसकी स्टिच करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिलाई और पिन लगाने के जब उपकरण की बात करते हैं, उसमें हमारा निडिल है। निडिल का मींस एक हमें हैंड निडिल की रिक्वायरमेंट हो सकती है और मशीन निडिल। देन पिन्स का हमें रिक्वायरमेंट होती है, पिन कुशन की और थ्रेड की, निडिल थ्रेडर की और थिम्बल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। निडिल क्या है, हाथ की सुई का उपयोग स्थायी टांके या बटन होल बनाने के लिए किया जाता है, और मशीन वाली ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए। अगर सपोज वो काम करने में टूट गई तो हम मशीन की निडल का उसमें उसको रिप्लेस करके हम काम कर सकते हैं। और हैंड निडल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, सपोज जब कोई गारमेंट हम स्टिच कर रहे हैं, सबसे पहले कि कोई इनिशियल स्टेज में जो सीख रहा है, तो हम क्या करते हैं, कई दो किसी गारमेंट को बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक गारमेंट जब हम उसको कंबाइन करते हैं, जैसे कि सपोज फ्रंट बॉडीज, बैक बॉडीज, स्लीव्स हैं, कॉलर है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्लीव्स को बॉडी में जोड़ने के लिए, फ्रंट और बैक को जोड़ने के लिए, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, कच्चा करते हैं, जिसे वो बास्टिंग बोलते हैं, वो हमारा हैंड निडल से होता है, तो उसमें हमें निडल की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे पास ऑल पिंस है, ऑल पिंस की भी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अस्थाई टकिंग करने के लिए। सपोज कोई गारमेंट है जिसमें कि हम प्लीस डाल रहे हैं या गैदर्स डाल रहे हैं, या जब हमें प्लीस डाली है और उसको फिर हमको अपर बॉडी से जोड़ना है। सपोज हमारे पास एक फ्रॉक है जिसमें कि हम उसके स्कर्ट वाले पार्ट में हमने क्या डाला है, प्लीट्स डाली है, तो हम क्या करेंगे, प्लीट्स को एक प्लीट्स डालने के बाद उसको अस्थाई टकिंग करने के लिए, उसको अस्थाई रूप से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पिन की सहायता से उसे रोक लेंगे और उसको हम अपर बॉडी पार्ट से जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम मशीन स्टिच लगाएंगे।
तो जिससे क्या होगा कि अगर सपोज हम बास्टिंग नहीं कर रहे, मीन्स कच्चा नहीं करना चाह रहे हैं सुई का प्रयोग करके, तो हम पिंस का प्रयोग कर सकते हैं। इवन जब हम ड्राफ्टिंग को कपड़े के ऊपर रखते हैं कटिंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, तब भी हम पिंस का प्रयोग करके ड्राफ्टिंग को कपड़े में प्लेस करते हैं और उसके बाद हम कटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं निडल की। निडल क्या है कि निडल हमें हाथ की जो निडल है उसका रिक्वायरमेंट हमें बास्टिंग करने के लिए, बटन होल बनाने के लिए करते हैं। सपोज कोई इनिशियल प्रैक्टिस कर रहा है कपड़े स्टिच करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि मींस जब हमारे पास कोई भी गारमेंट है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडीज फ्रंट, बॉडीज बैक, स्लीव्स हैं, कॉलर है, तो इनको हम डायरेक्टली मशीन स्टिच नहीं रखते हैं, पहले इन पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं कच्चा करके, जिसको हम बास्टिंग बोलते हैं। उसके लिए हमें निडल की रिक्वायरमेंट है और मशीन निडल भी हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सपोज अगर काम करते हुए वह टूट जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब पिंस की बात करते हैं, ऑल पिंस का प्रयोग भी हम बास्टिंग के तौर पर ही करते हैं। अगर हम हैंड बास्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए बिफोर परमानेंट स्टिच हम क्या करते हैं कि पिंस का प्रयोग करते हैं। या जैसे कि किसी गारमेंट में हम प्लीट्स डाले हैं, गैदर्स डाले हैं, तो प्लीट बेसिकली प्लीट्स को डालने के लिए हम प्लीट्स जब डालते हैं उनको पिन का प्रयोग करके एक स्टेबल पोजीशन में लाते हैं, उसके बाद हम उसमें मशीन लगाते हैं या उसे अपर बॉडी पार्ट से जोड़ते हैं। इन केस ऑफ द फ्रॉक हो गया, स्कर्ट्स हो गया, स्कर्ट्स में भी हम जब बेल्ट लगाते हैं प्लीज डालने के बाद, तो पहले उसको पिन से स्टेबल करते हैं और उसके बाद हम उसमें परमानेंट स्टिच या मशीन स्टिच लगाते हैं। अब हम बात करें पिन कुशन। पिन कुशन का प्रयोग सिलाई का काम करते समय पिन या सुइयों को रखने के लिए किया जाता है। पिन कुशन होता है तो हम उसमें लगा देते हैं, तो इजीली हम अपने काम को कर सकते हैं, कोई भी चीज कहीं फैलेगी नहीं और इजीली हमें हमारे पास अवेलेबल रहेगी, सिस्टमेटिक हमारा काम होगा पिन कुशन का प्रयोग करने से। वैसे ही थ्रेड, अलग अलग कलर के थ्रेड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जिनका प्रयोग करके हम मशीन स्टिच कर सकते हैं, हैंड बास्टिंग कर सकते हैं, और जिस कलर का कपड़ा है और जिस कलर के कपड़े का हम स्टिच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या जो हमारा फैशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उस तरह के थ्रेड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। और अलग अलग थ्रेड हमारे पास, अलग अलग कलर के थ्रेड्स और अलग अलग मटेरियल के थ्रेड्स, मीन्स सपोज पॉलिस्टर कॉटन, प्योर कॉटन, सिल्क के थ्रेड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं थिम्बल की। थिम्बल क्या है कि जब हम हैंड स्टिच करते हैं तो सुई का काम करने, सपोज अगर कोई हैवी कपड़ा है या कोई अधिक लेयर सिस्टम है, तो सुई को जब हम कपड़े में घुसाते हैं तो हमारे उंगलियों में लग जाता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं। जैसे इमेज में दिखाई पड़ रहा है उसको हम उंगली में अपने लगा लेते हैं, उसके बाद हम काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। यह सिलाई करते समय सुई को धकेलने वाली उंगली पर सुरक्षा के लिए पहना जाने वाला छोटा कठोर गड्ढे वाला कप होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निडल थ्रेडर की। सुई में धागा पिरोने के लिए एक हमारे पास एपरेटस होता है जिसका प्रयोग सपोज कि अगर जैसे हमारे पास निडल है, निडल में जब छेद छोटा होता है या थ्रेड हम जो हम डाल रहे हैं उसमें अगर उसके जो एज है फ्रेड होते हैं तो डालने मुश्किल होती है, तो इसका उपयोग सुई में धागा डालने के लिए हम करते हैं। अंत में यह कहना चाहूंगी कि इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के एपरेटस और इक्विपमेंट के बारे में बात करी जिसको हम स्विंग टूल कहते हैं, जिनका उपयोग करके हम गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे मेजिंग टूल आते हैं, देन हमारे पास ड्राफ्टिंग टूल आते हैं और मार्किंग टूल्स आते हैं, देन हमारे पास कटिंग टूल्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास स्टिचिंग टूल्स आते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, अध्ययन करा है। धन्यवाद।